हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके प्रजापति 447। आज का टॉपिक है क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर। देखिए ये पैराग्राफ है, यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आप लोगों को। ये लोग पढ़ लीजिएगा, चलिए पढ़ के दिखाते हैं। आशा में भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देने आरंभ हो जाता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा में अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं परसों अवश्य होगा। तुम्हारे यत्न निष्फल नहीं जाएंगे। परीक्षा और आशा जीवन पथ की दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीजों को प्रोत्साहितों को अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके आधार हिस्से और से मत देखो, वहां से मत देखो, वहां जहां से चीज और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल होती। हर किसी के उज्ज्वल और प्रकाशमान पक्ष और खोजो। घनों कोटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने की कांटो दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उससे समाज के हर भाग में बांटी। इसमें कई प्रकार की कंजूसी मत करो, जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है। जिन्हें उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नकारात्मक और निराशा जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? पहला है बुद्धिमत्ता और ज्ञान, दूसरा है धैर्य, विकास और आशा, तीसरा उम्मीद और संघर्ष, चौथा धन और शक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धैर्य, विश्वास और आशा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए, ये जीवन में अनावश्यक है। ऑप्शन बी, ये सफलता के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी, ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है, देखिए, संदेह और संशय से। ऑप्शन बी, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से। ऑप्शन सी, क्रोध और भ्रम से। ऑप्शन डी, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रोध और भ्रम से। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किस उपमा को उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? कठिनाई को आदर्श करना। ऑप्शन बी, कोटों के बीच फूलों को पालना। ऑप्शन सी, अधिकारों को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। ऑप्शन डी, रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांटों के बीच फूलों को पालना। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। आस्था और विश्वास के महत्व को संदर्भ। ऑप्शन बी, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य। ऑप्शन सी, समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत।
ऑप्शन डी सकारात्मक का मार्ग आशा आर विश्वास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सकारात्मक का मार्ग आशा और विश्वास। देखिए फिर यहाँ पैराग्राफ है, पढ़ते हैं। वैराग्य छोड़ बाहों की भाग विघा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुम सेल शिखरों पर सोम पाए रे पायो रे, योगियों नहीं बिजी के संदेश जिया रे। देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने कहता है जो तन ये कायरों जैसे हो, योगियों जैसे नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो, ऑप्शन सी केवल बात करने वाले बुद्धिजीवों जैसे हो, ऑप्शन डी जो व्यर्थ में समय नष्ट न करता हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी योगियों जैसे नहीं पराक्रमी वीरों जैसे। ठीक है देखिए सातवां क्वेश्चन। पद्यांश में कैसे सोम कहा गया है, ऑप्शन ए चट्टान, ऑप्शन डी धार, ऑप्शन सी वैराग्य, ऑप्शन डी योगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धार। ठीक है देखिए आठवां क्वेश्चन। योगियों नहीं विजी से संदेश जियो रे का क्या संदेश है, ऑप्शन ए योगियों का प्रशंसा देने की सलाह, ऑप्शन बी समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, ऑप्शन बी योगियों के साथ मिलकर जीने का सलाह, ऑप्शन डी योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सलाह। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है देखिए नाइन का क्वेश्चन। इस पद्यांश में कैसे जीवन की सराहा गया है, ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन बी वैरागी, ऑप्शन बी विजयी, ऑप्शन डी कायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयी। चलिए दस का क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता का मूल स्वर क्या है, ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी आह्वान, ऑप्शन डी भक्ति। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आह्वान। ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा आह्वान। देखिए ग्यारह का क्वेश्चन। इसमें से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है, पहला ऑप्शन है सोनम गाना गाती है, ऑप्शन बी अमन किताब पढ़ता है, ऑप्शन सी मोहन सो रहा है, ऑप्शन डी लता चाय पी रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहन सो रहा है। तो देखें बारह का क्वेश्चन। कौन सा वाक्य संक्रमण क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए बच्चा रोता है, ऑप्शन बी लड़का हंसता है, ऑप्शन सी रीता खाना खाती है, ऑप्शन डी पक्षी उड़ रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रीता खाना खाती है। देखिए तो 13 का क्वेश्चन। जल्लाद का निकारथी कौन है, ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी बादल। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बादल। देखिए 14 का क्वेश्चन। दो पदों या शब्दों के मोल के बिना तीसरा पद क्या कहलाता है, ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समास। 15 का क्वेश्चन। अथा संभव कौन सा समास है, ऑप्शन ए अव्यवी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, यवयवी भाव। देखिए 16 का क्वेश्चन देखते हैं। नीली है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है? इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अवयवी भाव, ऑप्शन डी बहुव्रीही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय। ठीक है, चलिए देखते हैं 17 का क्वेश्चन। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी उप वाक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। देखिए 18 का क्वेश्चन। जिस वाक्य में कर्म का प्रधानता की जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्मवाच्य। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 का क्वेश्चन। बालक चांद डैश दे रहा है, इसका सही ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी क्यों, ऑप्शन डी कैसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए की ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, 20 का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाच्य बोधक आवश्यक शब्द है? पहला ऑप्शन है देखिए धीरे धीरे, ऑप्शन बी अरे, ऑप्शन सी अथवा, ऑप्शन डी वाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अथवा। ठीक है, चलिए देखते हैं 21 का क्वेश्चन। उससे पहले देखिए पैराग्राफ है। उधो तुम अति बड़ भाग की अपरस रहत स्नेह तगा में नाही, मन अनुरागी पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस दे न दागी, जयो जल माह तेल की गागरी बूंद न तागे ताको लागी, प्रति नदी में पाऊ न पुरयो दृष्टि न रूप प्रागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटिया ज्यो पागी। अब देखिए किसका क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। इस पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रेदास, ऑप्शन डी सूरदास। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरदास। ठीक है, चलिए देखिए 22 का क्वेश्चन। गोपियां किसकी अन्य भक्ति थी? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन डी उद्धव, ऑप्शन डी सूरदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं 23 का क्वेश्चन। पुरैनी पात का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पीतल का पत्ता, ऑप्शन बी केले का पत्ता, ऑप्शन सी कमल का पत्ता, ऑप्शन डी कंदवन का पत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल का पत्ता। देखिए 24 का क्वेश्चन। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए गुड़ खाई हुई चींटियों की है, ऑप्शन बी दीपक और बाती से की है, ऑप्शन सी कमल के पत्ते और तेल लगे मटके से की है, ऑप्शन डी फूल और भौरे की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल के पत्ते और तेल लगे मटके की है। देखिए फिर पैराग्राफ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कृष्ट उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुचित और बोधा सा था, किंतु इस कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखने चाहिए का प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी का
निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उसकी शादी कराई थी, पुतो बड़ा स्वभाव और सुशील मिला था। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत की बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। देखिए 25 का क्वेश्चन, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए रो रहे थे, ऑप्शन बी गा रहे थे, ऑप्शन सी हंस रहे थे, ऑप्शन डी नाच रहे थे। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गा रहे थे। देखिए 26 का क्वेश्चन, भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक और ऑप्शन ए चालाक और कर्मठ, ऑप्शन बी ईमानदार और शरारती, ऑप्शन सी चतुर और तेज, ऑप्शन डी सुस्त और बोधा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुस्त और बोधा। चलिए देखते हैं 27 का क्वेश्चन, भगत जी की पुतोह कैसी थी? ऑप्शन ए सुंदर और झगड़ने वाली, ऑप्शन बी घर की ख्याल नहीं रखने वाली, ऑप्शन सी घर का पूरा प्रबंध करने वाली, ऑप्शन डी बड़े का सम्मान न करने वाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घर का पूरा प्रबंध करने वाली। ठीक है चलिए देखते हैं 28 का क्वेश्चन, पौधा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मोटा, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन बी मंद बुद्धि। का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मंद बुद्धि। अरे देखते हैं 29 का क्वेश्चन, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा देखिए विद्यालय, ऑप्शन बी माता के आंचल, ऑप्शन सी चबूतरा, ऑप्शन डी पिता के गोद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माता के आंचल। जॉर्ज पंचम के नाक में किसका व्यंग किया गया है? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ पर, ऑप्शन बी सरकारी तंत्र पर, ऑप्शन सी रानी के दर्जी पर, ऑप्शन डी भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी तंत्र पर। ठीक है आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।